हेलो बच्चों, कक्षा नौवीं की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान में अपन कक्षा नौवीं में लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत अभी अपन ने चुनावी गतिविधियों के बारे में पढ़ा, चुनावी राजनीति के बारे में पढ़ा। तो पाठ के उपरांत कुछ छोटे छोटे प्रश्नों का अपन ने हल देखे। आज कुछ दो नंबर और तीन नंबर वाले प्रश्न देखेंगे पाठ के अंतर्गत जो प्रश्न उत्तर है। तो लोकतांत्रिक सबसे पहले है निर्वाचन, चुनाव। इसको अपन साधारण भाषा में चुनाव भी कहते हैं। हमारे देश में इसकी आवश्यकता क्यों है, प्रकाश डालिए। ये आपका दो या तीन नंबर का प्रश्न है। तो निर्वाचन से आशय होता है कि भारत कैसा देश है, संसदीय प्रणाली देश। कैसा देश है, संसदीय प्रणाली देश। इस शासन प्रणाली में देश के निर्वाचन प्रतिनिधियों में सरकार के द्वारा क्या जा करती है, बनाई जाती है, और निर्वाचन के द्वारा नागरिकों की शासन की क्या होती है, इसमें भागीदारी होती है। जो निर्वाचन होते हैं वह किसके द्वारा होते हैं, कराए जाते हैं, शासन के द्वारा। तो नागरिक जो होते हैं वे अपने द्वारा क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधित्व, मतलब जो प्रतिनिधि होता है उसका निर्वाचित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निर्वाचन कहते हैं। निर्वाचन के द्वारा ही एक निश्चित समय से, मतलब जो निर्वाचन होता है निश्चित समय में जन प्रतिनिधियों का चयन करता है, और हमारे राष्ट्र के नागरिकों में निर्वाचन का भाग लेकर राजनीतिक अधिकारों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जनप्रतिनिधि होते हैं वह हमारे राष्ट्र के नागरिकों से निर्वाचन में भाग लेकर और अपने राजनीतिक अधिकारों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जब वह कब प्रयोग करते हैं राजनीतिक अधिकारों का, जब वह जनप्रतिनिधि का चयन हो जाता है। भारत कैसा देश है, एक विशाल देश है और यहाँ पर बहुभाषी राष्ट्र है। तब जो भारत है एक बड़ा देश तो है ही, साथ में यहाँ पर बहुभाषी राष्ट्र भी है। हमारे सभी नागरिकों को समान रूप से प्रतिनिधियों के चुनाव में भाग लेने का क्या है, अधिकार है। और भारत का मतदान कैसा होता है, भारत में जो मतदान होते हैं उसमें कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, गोपनीय प्रणाली अपनाई जाती है। भारत में स्वतंत्र एवं कैसे चुनाव, भारत में जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, और कैसे होते हैं, निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए क्या किया जाता है, निर्वाचन आयोग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। तो निर्वाचन आयोग होता है, जो गठित होता है वह चुनाव कराने की क्या करता है, पूरी प्रक्रिया करता है। तो इस प्रकार आपका एक प्रश्न हो गया कि हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली है। अगर आपका एक प्रश्न नंबर का भी प्रश्न आए, अगर आपको एक वाक्य में उत्तर दिया पूछा जाए कि हमारे देश में कौन सी शासन प्रणाली है, तो आप क्या लिखोगे, भारत हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि निर्वाचन से आप क्या समझते हैं और इस देश में इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डालिए, तो आपको इसमें इस प्रणाली को, मतलब संसदीय प्रणाली है यहाँ पर देश में, निर्वाचन प्रतिनिधियों के द्वारा सरकार क्या की जाती है, जो निर्वाचित प्रतिनिधि होती है उनके द्वारा की क्या किया जाता है, सरकार बनाई जाती है और वह जनप्रतिनिधि के चयन किया जाता है, और इससे वह क्या करते हैं, राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग करके उसको पूरा करते हैं। फिर क्या है सार्वभौमिक मताधिकार से क्या आशय होता है, मतलब जो सार्वभौमिक मताधिकार है वह क्या होता है। तो सार्वभौमिक मताधिकार क्या होते हैं, जो होते हैं ना, जिससे प्रतिनिधि चुनने का अधिकार कहलाता है। कोई भी नागरिक है वह सार्वभौमिक, मतलब सबके लिए जो वयस्क अधिक मताधिकार है वह है मताधिकार, उनको प्राप्त होते महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार है। और यहाँ पर भारत देश में प्रत्येक पुरुष और महिला को बिना किसी भेदभाव से मत देने का क्या अधिकार, क्या है, अधिकार है। इसे क्या कहते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार कहलाता है। इस प्रणाली में एक निर्धारित आयु पूरा करने के उपरांत देश के सभी, मतलब जो सभी नागरिक होते हैं वोट डालने के लिए क्या होता है, उनको अधिकार प्राप्त होता है। और हमारे देश में चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनकी आयु मत डालने की अधिक आयु कितनी है, 18 वर्ष है, वोट ने 18 वर्ष की आयु में वोट डालने का अधिकार है। तो इसे कहेंगे सार्वभौमिक मताधिकार। तो सार्वभौमिक की विशेषताओं का
उल्लेख कीजिए। तो चुनाव में सबसे विशेष ये भी है कि मताधिकार की विशेषताएं क्या है। तो जो मता देने के अधिकार है कैसा होना चाहिए, वह मताधिकार की विशेषताएं होती हैं कि देश के सभी नागरिकों को शासन की हिस्सेदारी होती है। प्रत्येक नागरिक को, मतलब जो प्रत्येक नागरिक होता है उसको मत को समान महत्व मिलता है। फिर है जनप्रतिनिधियों द्वारा शांतिपूर्वक परिवर्तन की संभावना। नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, नागरिकों को आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होती है और यह प्रणाली समानता के सिद्धांत के अनुकूल होती है। मतलब सबसे पहले इसमें क्या है कि नागरिकों को कैसे शासन की हिस्सेदारी मिलती है, फिर प्रत्येक नागरिकों को मत देने का क्या है, मत जो है उनका सभी नागरिकों के जो मत होते हैं उनका समान महत्व होता है। ये नहीं कि बड़ा छोटा कोई ऐसा नहीं, सबके लिए मत का जो अधिकार होता है, महत्व जो होता है वह समान होता है। फिर शांतिपूर्ण परिवर्तन संभव, फिर राजनीतिक शिक्षा, फिर आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होती है, फिर इस प्रणाली में सिद्धांत में अनुकूल होते हैं। तो ये हो गए मताधिकार की विशेषता। फिर उसके बाद है कि निर्वाचक नामावली क्या होती है। मतलब जो चुनाव कराने के लिए आपने देखा होगा जब आपके गली मोहल्लों में चुनाव होता है तो लोग पार्टी के लोग आते हैं एक लिस्ट लेकर या एक नामावली लेकर कि कौन है आप, कहाँ मतलब आपके घर में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं, कितने हैं, कितने नहीं हैं, कितने कहाँ चले गए, तो इन सब चारे मतलब जो नामा मतलब जो निर्वाचक नामावली होती है उस नामावली में इस सब प्रकार की क्या होती है, जानकारी होती है। और इस नामावली में जिनकी आयु 18 वर्ष होती है उन सभी के नाम को क्या किया जाता है, उस नामावली में जोड़ा जाता है। तो चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, निर्वाचक नामावली तैयार करना। किसका काम है ये, चुनाव आयोग का, जिसके अंतर्गत मतलब चुनाव निर्वाचन है, मतदान केंद्र में मत देने की योग्य नागरिकों की क्या करी जाती है, जो मत देने योग्य होते हैं नागरिकों की सूची तैयार करवाता है, उसे क्या कहते हैं, निर्वाचक नामावली कहते हैं। इसमें नवीन सूची में 18 वर्ष के नागरिकों के नाम क्या किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं, और जिस मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है या अन्य कारणों से अन्यत्र स्थान चले गए हैं या कभी कहीं दूसरी जगह रहने लगे हैं तो उन नागरिकों के क्या किए जाते हैं, नाम हटा दिए जाते हैं। इसमें निर्वाचक नामावली को मतदाता सूची के नाम से ही जाना जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रश्न है बेटा, 2 या 3 नंबर का, उसमें है चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, निर्वाचक नामावली तैयार करना। निर्वाचक नामावली में मतलब कितने वर्ष की आयु जो होती है, 18 वर्ष की मतलब जो आयु के लोग होते हैं उन नागरिकों के नामावली में, निर्वाचक नामावली में क्या किया जाता है, उस सूची में नाम जोड़ दिया जाता है, और जिनकी मृत्यु हो जाती है या अन्यत्र किसी स्थान में चले जाते हैं या कहीं और रहने लगते हैं उन नागरिकों के नाम क्या कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके लिए हो गया निर्वाचक नामावली क्या है। फिर उसके बाद है लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तें क्या होती है। मतलब जो जनता जो लोकतांत्रिक, तो हर किसी को चुनाव कराने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार प्राप्त हो, हर किसी को मत का मतलब क्या होता है, समान मोल होता है। फिर दूसरा क्या होता है, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, मतलब चुनाव होते हैं उसमें विकल्प भी होते हैं, उसमें पार्टियों और उम्मीदवारों को सूचनाओं में मतलब जो पार्टी होती है उम्मीदवार होते हैं उनको चुनाव में उतारने की क्या होती है, मतलब चुनाव में लड़ने की क्या होती है, उन्हें आजादी होती है। फिर मतदाताओं के लिए यह विकल्प पेश करें। फिर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, मतलब चुनाव होते हैं वह निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, इसमें लोग समुच्च अपनी इच्छाओं से व्यक्ति का चुनाव कर सके, जिसे मतलब लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। चुनाव का अवसर, चुनाव का जो अवसर होता है
मिलता रहे। मतलब जो चुनाव होते हैं उसका जो अवसर होता है वह नियमित अंतराल में मिलता रहे और नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए, क्योंकि हर समय व्यक्ति को क्या रहता है बदलते रहना चाहिए, जिससे जो सुविधा जो कार्य प्रणाली है वह सुचारू रूप से चलती रहे। फिर उसके बाद है भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया लिखिए। तो जो भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया है वह क्या होती है, मतलब भारत में चुनाव कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहले हो गया मतदान, मतदाता सूची तैयार कराएं। तब जो मतदाता सूची है उसको क्या कराना चाहिए, तैयार कराना चाहिए। फिर है निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार निर्वाचन में पूर्व मतदान सूची तैयार कराता है। चुनाव होते हैं उसके पहले जो मतलब निर्वाचन आयोग होता है उसके निर्देश पर एक निर्वाचन के पूर्व मतदाता सूची तैयार होती है, जिसमें 18 वर्ष की आयु में मतलब जो नागरिक होते हैं उनको उसमें सम्मिलित कराया जाता है और मतदान पहचान पत्र भी जिला निर्वाचन कार्यालय क्या करते हैं भराए जाते हैं, जिसमें मतदाता पहचान पत्र के अभाव में नागरिकों की अपनी पहचान के लिए कुछ कागजात लाने होते हैं। फिर दूसरा है चुनाव की घोषणा। मतलब जब भारतीय निर्वाचन होता है तो उसमें चुनाव की घोषणा होती है कि चुनाव कब होगा कैसे होगा। तो निर्वाचन प्रक्रिया का अधिसूचना जारी होने पर फिर लोग मतलब लोकसभा के सामान्य मध्यवर्ती सामान्य चुनाव हो गए, मध्यवर्ती चुनाव हो गए, उपचुनाव हो गए, इसकी अधिसूची राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और विधानसभा में राज्यपाल द्वारा इसको किया जाता है। सूचनाएं और प्रकाशन चुनाव मतलब जो सूचनाएं प्रकाशित होती हैं वो किसके किसके अनुसरण से होती हैं, चुनाव आयोग मतलब जो चुनाव आयोग होता है उसके विचार विमर्श के बाद राजपत्र में उसकी घोषणा की जाती है। फिर है नामांकन पत्र। तो जब निर्वाचन होता है तो उसमें क्या करते हैं, नामांकन पत्र भरे जाते हैं। तो सूचना जो चुनाव होते हैं तो सूचनाएं जो जारी की जाती है उसमें चुनाव आयोग उसकी तिथि घोषित करता है कि आपको इस दिनांक पर आपको नामांकन भरना है और एक निश्चित तिथि पर एक प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र भरते हैं। कहाँ पर भरे जाते हैं, जिला अध्यक्ष कार्यालय में भरे जाते हैं और प्रत्येक प्रत्याशी का नाम मतदाता सूची में अवश्य होना चाहिए। मतलब जहाँ पर जहाँ जिस क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा है उस प्रत्याशी का नाम उस क्षेत्र की मतदान सूची में अवश्य होना चाहिए, जिससे नामांकन के साथ प्रत्याशी का एक निश्चित धनराशि की जमानत के रूप में जमा करता है। मतलब जो नामांकन भरता है निश्चित जमा राशि को क्या करता है, जमानत के रूप में जमा करता है और नामांकन पत्र भरे जाने की तिथि में जो नामांकन पत्र है उनके भरे जाने की तिथि के बाद एक निश्चित तिथि के बाद क्या की जाती है, उनकी जांच की जाती है और प्रत्याशियों के नामांकन को सही पाए जाते हैं उन्हें मतलब जो प्रत्याशी होते हैं घोषित किया जाता है कि वह एक निश्चित तिथि में प्रत्याशी के रूप में अपना नाम वापस ले सके। तो ये हो गए चुनाव प्रक्रिया भारत की। तो सबसे पहले हो गया मतदान सूची, फिर हो गया चुनाव चिन्ह क्या होता है। ये चुनाव चिन्ह ऐसे चिन्हों को कहते हैं जिसे राजनीतिक दल मतलब जो राजनीतिक दल होते हैं वह चुनाव के लिए अपना चुनाव के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे चिन्ह अपना मतदान सही फिर चुनाव अभियान चुनाव के लिए उनको चुनाव चिन्ह मिल गया। उनके लिए चुनाव चिन्ह मिलने के बाद वह एक चुनाव अभियान चलाते हैं। चुनाव अभियान में वह अपने अपने मतलब जो विज्ञापन से प्रचार करते हैं, चुनाव प्रचार के लिए चुनाव घोषणा पत्र मतलब जो घोषणा पत्र बनाते हैं कि मैं ये करना मतलब ना पानी की व्यवस्था, नल की व्यवस्था और सब चीज जो आपकी आवश्यकता होती है जनता की उनको मैं पूर्ण रूप से उनके लिए कार्य करूंगा। तो घोषणा पत्र के साथ साथ सभाएं भी आयोजित करते हैं और उसमें चुनाव प्रचार की दृष्टि से मतलब जो नारे भी लगाते हैं, नारे छपवाते हैं, पोस्टर जगह जगह दीवारों पर चिपकाते हैं कि भैया आप हमें नहीं वोट दें, हमें विजय बनाए तो हम आपका ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। इस तरीके से जो एक प्रतिनिधि प्रत्येक दल को दूरदर्शन व आकाशवाणी के द्वारा भी अपना अपना हो गया चुनाव चिन्ह के बाद हो गया, ये हो गया चुनाव अभियान हो गया।
उसके बाद होता है मतदान। अगर आपने चुनाव प्रचार किया है तो एक निश्चित तिथि पर मतदान चुनाव बूथ जाकर अपन को क्या करना पड़ता है, मत डालना पड़ता है, मतलब अपने मतों के अधिकार का उपयोग करते हैं। उस दिन क्या होती है, मतलब सरकार अपन को सार्वजनिक छुट्टी देती है, एक निश्चित समय तक ही मतदाता अपना वोट डाल सकता है, मतलब मत डालने के लिए भी एक निश्चित समय होता है, सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, ये एक निश्चित समय होता है। 6 बजे के बाद आपको वोट डालने का मतलब अवसर प्राप्त नहीं होगा। मतदान अधिकार व विभिन्न प्रत्याशी प्रतिनिधियों द्वारा पहचान किए जाने के पश्चात मतदान सही है, कोई धोखा नहीं है, इसे मतपत्र दे दिए हैं, बूथ में जाकर गुप्त रूप से क्या करते हैं, नागरिक अपना मत डालते हैं। मतपत्र दिए जाने पर चुनाव अधिकारी अमित शाही का एक निशान, आपने देखा होगा क्योंकि कोई व्यक्ति डबल बार जाकर अपना चुनाव मतलब मत का उपयोग ना कर सके। फिर है मतगणना व परिणाम। मतदाता पूरा हो जाने के बाद चुनाव अधिकारियों प्रत्याशियों प्रतिनिधियों के सामने मत पेटियों को सीलबंद कर दिया जाता है और मत पेटियों को एक स्थान पर एकत्रित कर दी जाती है और एक निश्चित तिथि पर प्रत्याशी उसे प्रतिनिधियों के समक्ष मत पेटी को खोला जाता है, जिसे समान मतों की गिनती चुनाव कर्मचारी करते हैं और सर्वाधिक मत प्राप्त करने के लिए प्रत्याशियों को निर्वाचित कर घोषित किया जाता है। मतलब एक समय अंतराल के बाद उन मतों की क्या होती है, गणना होती है, गिनती होती है। तो गिनती कौन करते हैं, चुनाव के कर्म मतलब जो मत पेटी को खोला जाता है उसी के सामने मतों की गिनती की जाती है, चुनाव कर्मचारी करते हैं और सर्वाधिक मत गणना के बाद करने के बाद प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया जाता है और उसी समय जीत और हार का निर्णय हो जाता है। तो ये भारत में चुनाव प्रणाली हो गई। प्रतिक्रिया क्या होती है, तो चुनाव की प्रतिक्रिया के बारे में बताया कि चुनाव प्रक्रिया 7 प्रकार से होती है ना। तो ये आपका एक बड़ा प्रश्न था, 4 नंबर का या 5 नंबर का भी हो सकता है, उसको ध्यान से पढ़ोगे और उसको याद करोगे। धन्यवाद बच्चों।